हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट कैसे खरीद सकते हो। तो जैसे मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन है, क्लिक फॉर शॉप डॉट इन, ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करें और किस लिए। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर आप इसके ऊपर विजिट करें और देखें और पढ़ें कि लोगों के क्या विचार हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, और उनका जो उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं अमेजोन से, तो जैसे ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अब ये हमारे पास Amazon डॉट इन लिंक जो है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस तरह से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद हो। क्लिक फॉर शॉप डॉट इन वेबसाइट को आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। यहाँ पर आपको एक सही जानकारी के साथ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसके बाद आप उसे खरीद सकते हैं। और अमेज़ॉन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर आपके घर पे कंप्यूटर और इंटरनेट अवेलेबल है तो वहीं से आप ये ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये क्लिक फॉर शॉप डॉट इन के प्रोडक्ट पे क्लिक किया था, ये एक लेडीज सूट है। अगर आपको ये लेडीज सूट खरीदना है तो किस तरह से आप इसको खरीद सकती हैं, ये इसकी डिटेल आपके सामने खुल चुकी है। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि जो भी आपके एरिया का पिन कोड होता है वो इस लिंक में ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होता है। इस पिन कोड का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट आपके एरिया में आपके पिन कोड के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो वहां से आपको ये जानना सही होगा। तो सबसे पहले बाय नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये आपके लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, जहाँ पर आप जो है इसको ऑप्शन है आपके पास किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकती हैं और यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर कार्ड नंबर आएगा। नंबर दो ऑप्शन है आपके पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मैं आपको समझा दूं कि डेबिट कार्ड वही होता है जो आपका एटीएम कार्ड होता है। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है तो उसके साथ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, अगर एचडीएफसी बैंक का है तो उसके साथ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, सिटी बैंक का अगर एटीएम कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आईसीसी बैंक का है, स्टेट ऑफ इंडिया का है, तो ये सब एटीएम कार्ड जो है वो कंप्लीट अवेलेबल हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी देने के लिए। तो अक्सर लोगों के पास एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड के थ्रू आप जो हैं, यहाँ से आपका एटीएम कार्ड किस टाइप का है, वीजा मास्टर कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो वही ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आता है नेट बैंकिंग। अगर आपके पास डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो इसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कैश ऑन डिलीवरी का। इसका मतलब है कि आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकती हैं इस ऑप्शन को चूज करके, कैश ऑन डिलीवरी को। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी जैसे मेरा जो पिन कोड है इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे
जो है वो ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। कई बार कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं होती है, तो आप यहां से डेबिट कार्ड भी चूज कर सकती हैं। उसके बाद यहां से मैंने चूज कर लिया मास्टर कार्ड। यहां पर आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, नेम ऑफ कार्ड डालेंगे और कार्ड नंबर, यहां पर एक्सपायर डेट, और यहां पे आपके एटीएम कार्ड की बैक साइड में सीवीवी कोड होता है उसको डालना है, और उसके बाद ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब ऐड टू कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर जब आप यहां से ऑर्डर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, तो आप एड्रेस यहां पे डालोगे और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी ऑर्डर के बीच में आप फोन नंबर डालोगे उस फोन नंबर के ऊपर आपको मैसेज आएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और विद इन 2 वीक्स यू कैन गेट योर प्रोडक्ट एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।